दोस्तों, जब हम टेली सॉफ्टवेयर में परचेज वाउचर की या फिर सेल वाउचर की एंट्री करते हैं, सॉफ्टवेयर आपके पास टेली डॉट ईआरपी 9 भी हो सकता है, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, लेकिन वाउचर एंट्री करने का तरीका दोनों में सेम है। लेकिन जब हम परचेज वाउचर या सेल वाउचर की एंट्री करते हैं तो हमें दो मोड देखने को मिलते हैं परचेज वाउचर के। तो दोस्तों, जब आप बाई डिफॉल्ट टेली को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो तो आपको इस तरीके का परचेज वाउचर की एंट्री में ऑप्शन देखने को मिलता है। इस तरीके का आप देख रहे हो यहाँ पर परचेज वाउचर, उसके बाद में सप्लायर का इनवॉइस नंबर, फिर पार्टी का अकाउंट नेम, और उसके बाद में एक ये परचेज लेजर आपके पास आता है। ये जब आता है जब आप टेली सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो और फर्स्ट टाइम परचेज वाउचर की एंट्री करते हो या फिर सेल वाउचर की एंट्री करते हो। लेकिन एक मोड हमारे पास ये भी होता है, लेकिन इस वाउचर में देखो तरीका सेम ही है, लेकिन इसमें जो परचेज लेजर का ऑप्शन आ रहा तो वो यहाँ पर अब नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इन दोनों ऑप्शन में क्या डिफरेंस है और हमें कौन से मोड में परचेज वाउचर की या फिर सेल वाउचर की एंट्री करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाला है, वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है, आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर और बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिकल तरीके के साथ सीखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, एंट्री करने से पहले हम इन दोनों वाउचर के मोड को समझेंगे भी ये दोनों ऑप्शन हमें किस प्रकार यूज करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। तो बात करते हैं हम इस मोड की। तो दोस्तों, ये जो वाउचर हमारे पास आता है इस तरीके का परचेज वाउचर, और इस मोड में ओपन होता है परचेज लेजर के साथ में। तो दोस्तों, ये परचेज लेजर हमें इस वाउचर में इस मोड के साथ हमें एंट्री तभी करनी चाहिए जब हमारे पास पर्टिकुलर परचेज वाउचर में एक ही तरीके का प्रोडक्ट हो। अब आपके पास वो सारे प्रोडक्ट टैक्स फ्री के भी हो सकते हैं, जीएसटी 5% के भी हो सकते हैं, जीएसटी 12 के, 18 के या फिर 28% के भी हो सकते हैं। यानी कि अगर 5% वाले के चाहिए उसमें चाहे चार स्टॉक आइटम है, चाहे वो पाँच है, चाहे एक है, लेकिन सभी पाँच के ही रहने चाहिए। अगर वो 12% वाले प्रोडक्ट है तो सभी प्रोडक्ट 12% के ही रहने चाहिए। अगर आपके इनवॉइस में मल्टी टाइप के प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आप इस इनवॉइस में देख रहे हो, हमारे पास ये चार मैंने ये प्रोडक्ट लिए सैंपल के रूप में, और सभी पे जो जीएसटी की परसेंटेज है वो अलग अलग है। कोई प्रोडक्ट 18% का भी है, 12% का भी है, 5% का भी है और 28% का है। तो इस तरीके से यानी कि ये हमारा एक मल्टी वाउचर है, इसमें मल्टी टाइप के जीएसटी रेट लगे हुए हैं। तो अगर इस वाउचर को हम इस मोड में करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा हमारी बुक्स पर, और अगर हम इस वाउचर में एंट्री करते हैं यानी कि बिना परचेज लेजर के साथ अगर एंट्री करेंगे तो हमारी बुक्स पर क्या इफेक्ट आएगा। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में ये प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एंट्री करने वाले हैं इस मोड के साथ और इसी वाउचर की एंट्री करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने अभी तक कोई भी एंट्री इस बुक्स में नहीं कर रखी है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, नो वाउचर एंटर्ड, यानी कि अभी तक कोई वाउचर की एंट्री हमने नहीं करी है। फिर भी आपको मैं डे बुक भी दिखा देता हूँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स और डे बुक, और F2 करके मैं पूरा डाटा चेंज कर देता हूँ, तो किसी भी टाइप की एंट्री आपको दोनों टैली में भी नहीं मिलेगी। इसमें भी आपको यहाँ पर नो वाउचर एंटर देखने को मिलेगा। तो इसी वाउचर को एंट्री करने के बाद हमारी बुक्स पे क्या इफेक्ट आएगा वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं वाउचर पर, हम जाएंगे और परचेज वाउचर को ओपन करेंगे, शॉर्टकट इसकी F9 को यूज़ करेंगे और इस इनवॉइस की एंट्री हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसका इनवॉइस नंबर लिखना पड़ेगा 6545, और इसकी जो वाउचर की डेट है वो 1 फरवरी है, हम 1 फरवरी सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और उसके बाद में सप्लायर का इनवॉइस नंबर में सेम हम 6545 देंगे और डेट 1 फरवरी रहेगी। अब इसके बाद में परचेज अकाउंट नेम, तो जो हमने प्रोडक्ट परचेज किया श्री ट्रेडिंग कंपनी से, तो श्री ट्रेडिंग कंपनी का लेजर सेलेक्ट करूँगा। अब इसके बाद में आपसे लेजर पूछेगा परचेज लेजर, क्योंकि अब आपके पास इस इनवॉइस में चारों टाइप की जीएसटी लगी हुई है, 5, 12, 18 और 28 की, और आपने गलती से इस वाउचर मोड में आप एंट्री कर रहे हो परचेज लेजर के साथ, और आपने इसमें से कोई भी एक लेजर सेलेक्ट आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर मान लीजिए आपने जीएसटी जो फर्स्ट लेजर है कंप्यूटर पार्ट जीएसटी 12% परचेज का, आपने इसी लेजर को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर हम दे देते हैं परचेज टैक्सेबल,
और उसके बाद में नेम ऑफ आइटम आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। जैसे कि मेरे पास फर्स्ट आइटम प्रोसेसर है, क्वांटिटी इसकी 4 पीस है और इसका जो टैक्सेबल रेट है वो 5508 रुपये और 47 पैसे है। उसके बाद में सेकंड आइटम मदरबोर्ड, क्वांटिटी इसकी 4 पीस और टैक्सेबल रेट हम यहाँ स्केट कर डालेंगे। उसके बाद थर्ड आइटम रैम, क्वांटिटी इसकी है 10 पीस और 1142 रुपये 86 पैसे इसका टैक्सेबल रेट। और फोर्थ आइटम है हमारे पास एलजी डीवीडी राइटर और इस पर 7 और इस पर जो टैक्सेबल रेट 781 रुपये और 25 पैसे का। तो इस तरीके से चारों स्टॉक आइटम हमारी इस इनवॉइस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे और टैक्स लगाएंगे, सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स। तो दोस्तों जैसे कि हमने एंट्री करी और टैक्स लगा दिया तो ये इनवॉइस की जो अमाउंट है आप देख रहे हो 60,200 रुपये और 5 पैसे। तो लगभग यानी कि हमारा 60,200 रुपये का इनवॉइस है। तो ये इनवॉइस की एंट्री हमारी बिल्कुल सही होगी और ये जो टैक्स की कैलकुलेशन है अब हमारे इनवॉइस में 3,848 रुपये और 68 पैसे हैं और वही यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर ने भी कैलकुलेट किया है, यानी कि 1 पैसा 69 पैसा, ये राउंड ऑफ फिगर का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट हमारा इनवॉइस है जो बिल्कुल सही इंटर हुआ है। और इस वाउचर को भी हम इंटर प्रेस करेंगे और ईवी बिल अभी एक बार हम नहीं लिख रहे, इसको नो करूँगा मैं और इसको वाउचर को मैं एक्सेप्ट करते हुए सेव करूँगा। तो दोस्तों अब इसी वाउचर की एंट्री हमने इस मोड में करी है और इसी वाउचर की एंट्री हम इस मोड में करेंगे, सिंपल मोड में, यानी कि अब इसमें हम जो परचेज का जो लेजर है वो यहाँ से हमने हटा दिया है। ये अब किस तरीके से डिसेबल होगा और किस तरीके से इनेबल होगा वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों इसी वाउचर की एंट्री हम दोबारा करने वाले हैं इस मोड में, तो सेम वही प्रोसेस हमारा, जो इनवॉइस का नंबर 6554 और F2 करके हम एक फरवरी डेट चेंज करेंगे और सेम वही डेट हम यहाँ पर देंगे और पार्टी अकाउंट नेम में श्री ट्रेडिंग कंपनी। और अब हम यहाँ पर नेम ऑफ आइटम लिखेंगे, जो फर्स्ट आइटम है हमारी प्रोसेसर, क्वांटिटी इसके 4 पीस, टैक्सेबल रेट इसका 5508 रुपये 47 पैसे का और इंटर प्रेस करेंगे तो अब जो परचेज के लेजर है वो हमारे पास अब यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमें देखना भी ये जो हमारी परचेज है अभी किस कौन से कितने परसेंट जीएसटी वाली परचेज है, जीएसटी 18% का ये प्रोडक्ट है और इसमें हमने यहाँ पर 18% का लेजर ऑलरेडी बनाया हुआ है, कंप्यूटर पार्ट जीएसटी 18% परचेज का, तो हम इसमें इसको रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे परचेज टैक्सेबल। उसके बाद सेकेंड आइटम, दोस्तों वीडियो के एंड तक देखना, दोनों का इफेक्ट आपको दिखाऊंगा भी, दोनों वाउचर में एंट्री करने के बाद बुक्स में इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा और आपको पता भी चलेगा भी कौन से वाउचर में हमें एंट्री करनी चाहिए। तो इसकी भी क्वांटिटी 4 है, 3392.86 और ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा जीएसटी 12% का है, तो हम इसमें कंप्यूटर जीएसटी 12% को सिलेक्ट करेंगे और परचेज टैक्सेबल हम रखेंगे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में। इस तरीके से थर्ड आइटम हमारे पास रेम है, क्वांटिटी इसकी 10 पीसेज है और 1142 रुपये 86 पैसे इसका टैक्सेबल रेट है और ये जो प्रोडक्ट है ये जीएसटी 5% का प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ से कंप्यूटर जीएसटी 5% परचेज लेजर को हम सिलेक्ट करेंगे, परचेज टैक्सेबल रखेंगे। और फोर्थ आइटम हमारे पास एलजी डीवीडी राइटर और 7 पीस और इसके जो 781 रुपये और 25 पैसे और ये जो प्रोडक्ट है जीएसटी 28% का है। तो दोस्तों ये मैंने जो रेट रखे हैं एंट्री करने के पर्पज से आपको बताया, अगर आपके पास इसमें प्रोडक्ट और भी हो सकते हैं तो उस वक्त आप एंट्री किस तरीके से करनी है। और हम इसका सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स, तो दोस्तों देख रहे हो अभी दोनों कंडीशन में जो इनवॉइस की अमाउंट है वो हमारी 60,200 रुपये और 5 पैसे की बिल्कुल सेम बनी है और जो टैक्स की कैलकुलेशन भी हमारी इस इनवॉइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बनी है। तो दोनों मोड के अंदर इनवॉइस की वैल्यू बिल्कुल सेम आई है। एक बार ईवी बिल को मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर और वाउचर को एंटर प्रेस करते हुए करूँगा सेव। तो दोस्तों आप देख रहे हो मैं दोनों टेली आपको ओपन करके दिखाता हूँ और इसके में तो इस जो एंट्री हम दोनों मोड में करिए इसका इफेक्ट सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस टेली का प्रॉफिट एंड लॉस काउंट हम ओपन करेंगे और एल्ट F1 के साथ डिटेल ओपन करूँगा और उसके बाद में इस टेली को ओपन करूँगा और इसका प्रॉफिट एंड लॉस काउंट ओपन करूँगा और एल्ट F1 के साथ डिटेल ओपन करूँगा। तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों मोड में आपको जो शेयर जो परचेज है आपकी वो 52,502 रुपये और 67 पैसे की आ रही है और यही आपकी परचेज़
इसमें भी आ रही है, लेकिन इसमें आपको जो 52,502 रुपये की जो परचेज है वो आपको सारी की सारी यहाँ पर ये दिखाएगा भी कंप्यूटर पार्ट जीएसटी 12% की आपने परचेज करी है, जबकि ये टोटल प्रोडक्ट हमारे 52,502 रुपये 12% के नहीं है, इसमें 5% भी इंक्लूड है, 18 भी है और 28 भी है। तो अगर इस तरीके से अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें देख रहे हो आप सारा वेरिफिकेशन इस परचेज अकाउंट का यहाँ पर शो हो रहा है भी आपकी 12% की जो परचेज है वो एक्चुअल में 13,571 रुपये की है, जीएसटी 18% की 22,033 रुपये की है, 28% की 5,468 रुपये की है और 5% की जो 11,428 रुपये और 60 पैसे की परचेज है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो इफेक्ट आएगा वो हमारी ये ट्रेडिंग अकाउंट पर आएगा, क्योंकि हम इस मोड पर इसको वेरिफिकेशन यहाँ पर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इस परचेज के अंदर आपकी 5 की 18 की या 28 की सेल कितनी है, क्योंकि अब इसको जो भी इसकी बुक्स देखेगा उसको यही पता चलेगा भी आपकी आपकी बुक्स में कंप्यूटर पार्ट जीएसटी 12% की परचेज ही 52,502 रुपये और 67 पैसे की है, जबकि ऐसा नहीं है। तो दोस्तों ये इफेक्ट होता है इस सिंगल मोड में एंट्री करने का और ये डबल मोड में एंट्री करने का। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस ऑप्शन को हम यहाँ से बंद कैसे करेंगे अगर आपके बुक्स के अंदर इसी तरीके की मल्टी परचेज अगर आती हो तो। तो दोस्तों इसके लिए हम वापस जाएंगे वाउचर मोड पे। तो अब अगर आपके बुक्स में भी इस तरीके की ये परचेज वाउचर की एंट्री अगर आपको देखने को मिल रही है तो आप इसी वाउचर मोड पर रहते हुए कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन के लिए और उसके बाद में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, चाहिए आपके पास tally.erp9 है चाहिए टेलीप्राइम है, दोनों में सेम ही ऑप्शन है ये सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। तो इस ऑप्शन को आपको डिसेबल करना पड़ेगा यानी कि नो करना पड़ेगा। हम इसको करेंगे नो यहां से और इसको विंडो को हम करेंगे कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट। तो जैसे हम कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे जो परचेज का जो लेजर अभी यहां पर आ रहा था वो यहां से हट जाएगा। अब ये जो आपको जब लेजर जो मिलेगा देखने को, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ भी, अब जब स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करोगे क्वांटिटी डाल के इसकी वैल्यू डालोगे तो वो जो सारे लेजर अब आपको यहाँ पर शो करना शुरू कर देगा, जो कि हमारा पहले फर्स्ट टाइम उनके परचेज लेजर पर ही शो कर रहा था। तो दोस्तों ये ऑप्शन अगर आपके पास केवल सिंगल टाइप की परचेज है तो इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास इनवॉइस में मल्टी टाइप की परचेज है जैसा कि अब इस इनवॉइस के थ्रू हमने करके देखा है तो आपको इस ऑप्शन को बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आपको ट्रेडिंग अकाउंट में फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट आप तैयार करोगे इनकम टैक्स पर्पज के लिए तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभी कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।